आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिससे पूरे देश में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। अक्षत कलश यात्रा धर्म और राष्ट्र जागरण को लेकर निकाली जा रही है। अक्षत कलश यात्रा श्री राम मंदिर नयापुरा से ग्राम के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। अक्षत कलश यात्रा में ग्राम के ग्रामीण जनों द्वारा प्रभु श्री राम की झांकी बैंड बाजों के साथ ग्राम के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसका ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। श्रद्धालु जय श्री राम के जय घोष करते हुए ग्राम में निकले, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर कार सेवकों का पुष्प हार माला पहनाकर एवं साफा बांधकर सम्मान भी किया गया। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या नगरी से जो पूजित अक्षत कलश पहुंचाए गए थे, उस संदर्भ में पूरे देश में जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, इस संबंधित यहां ग्राम बरूड में भी आज भव्य पूजित अक्षत कलश यात्रा का बहुत बड़ा शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई है। इस संदर्भ में पूरे ग्रामीण जनों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, और इस सहयोग के साथ साथ 1992 में जो बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया था, तो ग्राम बरूड से करीब 30 कार्यकर्ता वहां पर बाबरी मस्जिद में कार सेवक के रूप में गए थे, वो भी हमारे समक्ष उपलब्ध है। उनके सहयोग से साथ में लेकर यह कलश यात्रा को हमने भव्य रूप दिया है, और आगे भी 22 जनवरी तक जो कार्यक्रम निर्देशित अयोध्या राम नगरी से निर्देशित किए गए हैं, वह सभी कार्यक्रम 22 जनवरी तक हमारे ग्राम बरूड में अनेक अनेक स्थलों के मंदिरों में धार्मिक आयोजन होते रहेंगे, और यह ग्राम धार्मिक दृष्टि से पूरा धर्ममय हो जाएगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमरावत है और इस आयोजन का मैं नगर संयोजक हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।